प्यारे बच्चों कैसे हो। आज का हमारा विषय रहेगा दशमलव संख्याओं की जोड़िया घटा। जोड़िया घटा आप सभी को बहुत अच्छे से आती है, मैंने देखा है। अभी कुछ दशमलव वाली संख्याओं में बच्चे जहां कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूजन दूर करेंगे बस, बाकी तो सब आप आराम से कर ही देंगे। देखिए हमारे पास यदि कोई संख्या इस प्रकार आती है 8.34 जमा 82.2 या 367.18, इस प्रकार से कोई संख्या आती है। देखो दशमलव के बाद के अंकों का आपको पता है, उससे अगला दशांश, उससे अगला अष्टांश, उससे आगे वाला हजारवां, ये आप छठी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इनकी जोड़ हमें किस प्रकार करनी है, बच्चे अक्सर इसको इसी प्रकार जोड़ कर देते हैं जैसे हम आम करते हैं, इसी प्रकार जोड़ कर देते हैं, और जो कि उत्तर जो हमारा आता है वो बिल्कुल गलत आता है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक चीज का ध्यान रखना है। पहले तो हमारे पास जो संख्या पहले दे रखी है उसको सबसे पहले लिख लें, ये संख्या पहले थी उसको लिख लिया। उसके बाद जो अगली संख्या दी है उसका दशमलव पहले लिखें। देखो ये दशमलव पहले लिया मैंने, इसके आगे मेरे पास क्या है 2, और क्या आगे 8, पीछे क्या है 2। एक अंक की सीध में एक अंक लेना है हमें, एक अंक की सीध में, दशांश की सीध में दशांश आएगा, इकाई की सीध में इकाई, दहाई की सीध में दहाई, और शतांश की सीध में शतांश। अब अगला भी वही लेना है, पहले क्या लेना है दशमलव, आगे क्या है 7, 6, 3, एक अंक की सीध में एक अंक है, आगे भी 1, 2, 8। बाकी जो बच गए हैं या हमें अटपटे लग रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, शून्यों से उसको कवर कर देंगे पीछे। अब जोड़ आपको आसानी से आता ही है, कर दें 8, 7, 2, 9, 3, 2, 5, 6 दशमलव है, यहां जोड़ करेंगे 17 है, 1 के आगे 8, 14, 1, 15, 1 के आगे, और यहां मेरे पास 4। तो दशमलव में हमारे पास उत्तर जो निकल के आया है वो क्या है 457.698। इस प्रकार से जोड़ करना आपको, पहले वही है, पहली संख्या ऐसे कैसे आपको लिखनी है 3.73। अब यहां तो 8 है, दशमलव ही नहीं है, तो हमने तो पहले दशमलव लेना था, अब दशमलव लेना था तो इसका दशमलव कहाँ है, हमारे पास 8 इकाई का अंक होता है यदि अकेला देखे तो, हमारे पास दशमलव हमेशा कहाँ आता है, इकाई के बाद आता है, दशांश से पहले, तो ये इकाई है तो इसके बाद यहां दशमलव है, इसका ध्यान रखें। जिसका दशमलव कहीं नहीं है उसमें संख्या के पीछे, तो पहले दशमलव लिया और हमारे पास आगे है 8, पीछे का बाद में देख लेंगे। उसके बाद फिर दशमलव लिया, आगे क्या है 0, पीछे क्या है 1, 2, 0, 3। उसके बाद फिर आगे दशमलव है, आगे क्या है 5, 3, और पीछे क्या है 2। बाकी जो बच गए हम उनको किससे कवर कर सकते हैं, शून्यों से, ताकि हमें दिखाई दे जाए भी एक अंक की सीध में हमारे पास एक अंक है। अब करें इसको, 3 आ गए, इसको करें 0, 5, जब जोड़ करेंगे 0, असल 1, इसी प्रकार जाएगा, दशमलव जाएगी उसकी सीध में दशमलव आ जाएगा, ठीक है। अभी 8, 3, 11, 1, 12 और 5, 17 है, 1, 3 और 1, 4, ये हमारे पास क्या हो गया 47.0503, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब घटा की स्थिति भी वही है, सिर्फ दशमलव देख के हमें घबराना नहीं है। हम यदि लें कि 35.2 में से मुझे घटाना है 27.29, ये घटाना है, तो बिल्कुल उसी प्रकार हमें लेना है। पहले पहली संख्या क्या है 35.2, पहले दशमलव सीध में लेना है, आगे 7 और 2 है, पीछे 2 और 9 है, फिर इसको क्या करना है घटाना है। अब यदि हम घटाएंगे तो हमें पहले 0 बराबर करने पड़ेंगे, अंक हमारे पास होने चाहिए, क्या 0 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, यहां से 1 असर लेगा, यहां 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, अब 1 बच गया, ये यहां से असर लेके आएगा 11 हो गया, 10 और 11, और 11 में से 2 गए 9 बच गया, दशमलव आ गई, जहां दशमलव आ गया 4 है, नहीं कटेगा 7 इसमें से, तो 1 यहां से असर ले लिया, यहां 14 हो गया, 14 में 7 गए 7, और 2 में से 2 गए 0, हमारे पास यहां पे क्या आ गया 7.91। घटा बिल्कुल उसी प्रकार होगी, जोड़ बिल्कुल उसी प्रकार होगा जिस प्रकार हम कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कि दशमलव एक सीध में लेने चाहिए, जितने अंक उससे आगे हैं आगे लेने हैं, जितने अंक उससे पीछे हैं पीछे लेने हैं, और जो जगह बच गई उसकी जगह हम क्या एडजस्ट करेंगे, 0 एडजस्ट करेंगे। एक प्रश्न और घटा का देखते हैं,
यदि मुझे पांच में से या मैं कह दूं कि पचास में से मुझे घटाना है 33.75। अब पचास में तो दशमलव है नहीं है, तो दशमलव कहाँ है बताइए थे ना, पीछे। तो हम लेंगे 50 दशमलव, उसके बाद अगले का फिर दशमलव हम पहले लेंगे, फिर आगे क्या लिखेंगे 33, पीछे क्या लिखेंगे 75.75, और फिर जीरो से इसको कवर करके हम घटाएंगे। घटाओ, उसी प्रकार है, यहां से असर लेगा, यहां से लेगा, जो भी है आपको घटानी आती है। ये यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 4 आएगा। जो हम लेते हैं तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ 9 में से 3 गए 6, और 4 में से 3 गए 1। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया 16.25 हो गया। बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, और आशा आपको समझ में भी आए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।